हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ में है तो आप क्लास टेंथ क्रास किए हैं तभी इस वीडियो को क्लिक किए। हमें पता है कि क्लास टेंथ क्रास करने के बाद आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है, ये हम आपको एकदम बेसिक देसी लैंग्वेज में समझाएंगे। आप आराम से समझ लीजिएगा पहली बात कि यहाँ पर हम जो बातें बताएंगे एकदम देसी भाषा में। देखिए, आप क्लास टेंथ कर चुके हैं तो अब आपको कोई ना कोई कोर्सेज करना होगा, कोई डिप्लोमा करना होगा, कोई भी अदर बहुत सारी चीजें होती हैं वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं आपको कैटेगरी कौन कौन सी पकड़ सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट हैं वो तो पता है कि नॉर्मल तरीके से तीन ही कैटेगरी पकड़ते हैं। आपको पता है कि आपको कोर्सेज करना होगा तो आप तीन कैटेगरी पकड़ेंगे। कौन कौन कैटेगरी पकड़ेंगे? सबसे पहला काम है कि आपको पकड़ना है पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई टीचर के अनुसार से, अब अगर आप पढ़ रहे हैं एज ए टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी लग रहा है कि हमें बहुत लंबा पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, एक तो होता है आपका कि उसमें से साइंस एक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, साइंस। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें कॉमर्स, और तीसरा हो जाता है आर्ट। क्या हो जाता है? आर्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्ट्स। ठीक है, तो देखिए, ये जो साइंस है और ये जो कॉमर्स है, ये जो आर्ट्स है, ये तीन रास्ते पकड़ते हैं सारे बच्चे। अधिकतर इन्हीं तीनों कैटेगरी में भागते हैं, मतलब इनको नहीं पता रहता कि हम आखिर यही तीन ही चीजें होती हैं। नहीं यार, ये तीन चीजें नहीं होती। इतना ब्रॉड होता है ये अपना करियर बनाने के लिए ना, मैं अलग अलग वीडियो लेकर हूँ। ये कोर्सेज की वीडियो मैं यहाँ पर बताने चाह रहा हूँ, इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट भी बताऊंगा, इससे जुड़े हुए कैरियर को बताऊंगा, लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला होगा ना, वो डिप्लोमा हम बताएंगे कि टेंथ के बाद हम डिप्लोमा कौन सा कर सकते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे टेंथ के बाद आप कैरियर कौन सा कर सकते हैं, ये चीजें बताएंगे। इसमें हम एज ए कोर्स के अनुसार से विषय और कैरियर बताएंगे, लेकिन अलग से हम जो वीडियो बनाएंगे कि 10 के बाद आप कोर्सेज के, ये तो कोर्सेज हो जाएगा, 10 के बाद हम डिप्लोमा कौन सा करें, 10 के बाद हम कोर्सेज, सॉरी उसको बोल रहे थे, करियर कौन सा अपना है, यानी डायरेक्ट हम रिक्रूटमेंट देखें, ये सारी चीजें हम बताएंगे अलग अलग वीडियो में। तो पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, साइंस और कॉमर्स और ये आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं इसमें कौन कौन से वो रास्ते पकड़ सकते हैं इनके लिए, ठीक है। बाकी डिप्लोमे में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि इसके अलावा आप कर सकते हैं, मैं अगर कहूं तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉली पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, क्या पैरामेडिकल कोर्स कोई कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए डिप्लोमा कोर्सेज अलग होते हैं, बहुत सारे आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि आपका शॉर्ट हैंड कर सकते हैं कोई, ठीक है, सॉरी शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, छोड़िए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जैसे कि कुछ छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं आपको जो करते हैं कि जिसे आपका फोन। तो आपको देखिए, ये तो हो गया आपका जो हमें आगे काम दिलाएगा। देखिए, अब इनमें से हमें ये समझना, जो ये होते हैं कोर्स, ये आपका कहते हैं ये एजुकेशनल रास्ते हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने का। तो आपके क्लास, जैसे आप दसवीं करिए, फिर ग्यारहवीं करिए, बारहवीं करिए, तेरहवीं करिए, चौदहवीं करिए, पंद्रहवीं करिए, इस रास्ते से जाएंगे। इन रास्ते से नहीं जाएंगे आप, चौदहवीं पंद्रहवीं आप इन रास्ते से नहीं जाएंगे। ये तो जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं अलग से, कि आप पॉलिटेक्निक करिए डायरेक्ट, आप उसके बाद आप प्राइवेट जॉब का और आपका गवर्नमेंट जॉब में किसी न किसी कंपनी, किसी न कोई जगह आप सेट हो जाएंगे। आप जॉब इनसो करने के बाद आप जॉब पा जाएंगे डायरेक्ट, इसके बाद जॉब पा जाएंगे, आप अपना काम कर लेंगे। परंतु इसको करने के बाद डायरेक्ट जॉब पाना कोई जरूरी नहीं है, आप आगे पढ़ते रहिए इनके रास्ते। आप पॉलिटेक्निक कर लिए तो इसका मतलब पॉलिटेक्निक कर लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे कोर्स कर लेंगे, इसको करने के बाद आप पीएचडी करने लगेंगे, ऐसा नहीं है।
इसमें जाएंगे, आप साइंस में जाएंगे, या आप चाहे साइंस में जाएं, चाहे कॉमर्स में जाएं, चाहे आर्ट में जाएं, जिसमें आप जाना चाहते हैं, इन सबसे आप 13वीं 14वीं 15वीं इस तरीके से MBSC MSc BA BCom MCom तमाम चीजें होती हैं, सभी चीजें आपको इस रास्ते पे मिलेंगी। तो मैं इनको थोड़ा साइड में लेके चलता हूँ और इनको मैं समझाता हूँ कि आपको इनमें से कौन कौन सा चलना है और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर हम आपको दिखाएं कि जैसे साइंस वर्ग वाले होते हैं, कौन से वर्ग वाले, हम चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले दिखाते हैं आपको साइंस वाले, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं साइंस, साइंस वाले सब्जेक्ट में कौन कौन से रहेंगे उनको देखते हैं। तो साइंस वाले सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका आर्ट, आर्ट्स वाले जो होंगे, उसके बाद हम लिख देते हैं कॉमर्स वाले, ठीक है। ठीक है, तीनों को हमने लिख दिया। तो साइंस वाले को अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात को आपको ध्यान देना है। अब आपको एक काम करना है कि 10वीं के बाद जाएंगे तो आपको पता है कि एक ही ग्रोही में जाएंगे। किसमें जाएंगे? एक ग्रोही में एंट्री करेंगे। 11th में आपका एंट्री होगा, पक्का है आपका 11th में एंट्री होगा। 11th में आप इस रास्ते जाएंगे, किस रास्ते? इस रास्ते से, वही दिखा रहे हैं। तो साइंस में जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है, इसमें आपका देखिए, एक जो हिंदी होता है, जो आपका हिंदी होता है, देखिए जो अपने यूपी बोर्ड जो यहाँ पर होते हैं, इन सब के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो जो हिंदी होता है, इसमें भी हिंदी होता है, इसमें भी हिंदी होता है, ठीक है। परंतु फर्क इनमें दोनों में जो हिंदी है, इनमें फर्क जो होना है वो फर्क होगा, इसमें जनरल हिंदी सामान्य हिंदी होती है, बस इतना फर्क है। कुछ चैप्टर से कम ज्यादा रहते हैं, बस इतना फर्क है। अब हिंदी के साथ इसमें इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट, बहुत स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं तो अलग चीज है, तो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के साथ साथ आपको इनमें से पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट मिलेंगे वो मिलता है, सबसे जरूरी बात यहाँ पर होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा भौतिक विज्ञान, ठीक, रासायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, ठीक। बस समझ में आई? पांच सब्जेक्ट लेना होता है। जब आप 11th में एंट्री करेंगे तो आपको पांच सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, पांच सब्जेक्ट। और पांच सब्जेक्ट जो लेंगे आप, इन सब में लेंगे, एक सब्जेक्ट आपका ये हो जा रहा है, दो ये हो जा रहा है, तीन ये हो जा रहा है, चार ये हो जा रहा है, पांच आपका इन दोनों में से कोई एक रहेगा, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। ओके, बात को समझ लिए? यानी आप जीव विज्ञान से रहेंगे या तो गणित से रहेंगे, दो में से एक ही रहना है आपको। और ये जो चार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी के लिए जरूरी, मतलब जो गणित वाला लड़का होगा वो भी हिंदी पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान पढ़ेगा, और जो गणित वाला लड़का है या जीव विज्ञान वाला लड़का है वो भी इन चारों को, दोनों लड़के ये पढ़ेंगे। बट ये है कि जो जीव विज्ञान लिया वो गणित नहीं ले सकता, जो गणित लिया है वो जीव विज्ञान नहीं ले सकता, मतलब मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं, जो बायोलॉजी वाले हैं बायोलॉजी वाले मैथ्स नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। इन सब्जेक्ट को आप कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आते हैं आर्ट्स वाले में, अगर देखते हैं तो आर्ट्स वाले भी बहुत सारे सब्जेक्ट बनते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। पहले हम कॉमर्स की देख लेते हैं, नहीं, आर्ट्स को आपको देख लेना है, पहले हम आर्ट्स को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स में जो है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिंदी तो आपको बोल दिया कि हिंदी तो रहनी है, मान लीजिए हिंदी कोई बात ही नहीं है। सोशल साइंस है एक आपका, ठीक, सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस मतलब समझ रहे हैं कि आपको इसमें सोशल साइंस वाली चीजें, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें से जैसे कि भूगोल भी आ जाएगा इसमें आपको, ठीक है, भूगोल हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, ठीक है, इतिहास भी हो जाएगा, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट, समाज शास्त्र हो जाएगा,
ठीक है, नागरिक शास्त्र हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो कला हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका संस्कृत हो जाता है, इसके बाद आपका फिलॉसफी हो जाता है, दर्शन शास्त्र हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी हो जाता है, अंग्रेजी हो जाता है, ये हो गया, मान लीजिए मनोविज्ञान हो जाता है, ठीक, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सोच लीजिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप कॉमर्स की चर्चा करते हैं तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए आपको ज्यादा इसमें नहीं होता, इसमें कुछ और छूटा है क्या? छूटा तो ऐसे नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको अकाउंटेंसी हो जाएगा, क्या? अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के बाद आपका बिजनेस, बिजनेस स्टडीज हो जाता है, समझते हैं बिजनेस स्टडीज आता है, इंग्लिश भी इसमें आ जाता है, नहीं आप समझ रहे इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी हो गया। इसके बाद समाज मतलब अर्थशास्त्र इसमें भी आता है आपका, क्योंकि इसमें जरूरी है, अर्थशास्त्र के बिना कहाँ काम होगा आपका, अर्थशास्त्र हो जाएगा। मैथमेटिक्स भी, गणित भी इसमें होता है, पर ये अपना गणित अलग होता है, समझ गए बात को? तो ये सारे सब्जेक्ट इनमें आपको पढ़ने हैं, ये सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं, इन सब में से पांच आपको लेना है टोटल। आपको जब इसमें एंट्री करना है तो पांच सब्जेक्ट आपको लेना है, कितने सब्जेक्ट? पांच सब्जेक्ट, बात को समझ गए? 11th में आप एंट्री करेंगे तो आपको इन पांच में से सब्जेक्ट लेना है, पांच सब्जेक्ट में से इनमें से आप चयन कर लिए, इनमें से आपको पांच लेना है, जो भी इच्छा हो वो ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट कोई भी चयन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको ये कैसे करना है, लेकिन आपको ये कैसे करना है कि हमें इसमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है? देखिए पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि हम साइंस पढ़ना चाहते हैं कि आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं कि हम कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए देखिए, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको साइंस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप साइंस कर रहे हैं, तो साइंस में जो करते हैं, जो अगर जीव विज्ञान लेता है उसको हम मेडिकल लाइंस बोल देते हैं, क्या कौन सी लाइन बोल देते हैं? मेडिकल लाइन बोल देते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर गणित वाला हो जाता है उसको हम टेक्निकल लाइन बोल दे रहे हैं, क्या मान लीजिए टेक्निकल लाइन बोल दे रहे हैं इसके लिए, ठीक है, टेक्निकल लाइन बोल दे रहे हैं, बात समझिएगा। मेडिकल लाइन वाले वो कर सकते हैं जिसके लिए मतलब वो मेडिकली काम होता है, जैसे डॉक्टर वगैरह बनना, डॉक्टर साइंटिस्ट हो आपका, ये सारी चीजें इनसे बनते हैं, आपका पैरामेडिकल कुछ हो, ये सारी चीजें मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड समझ सकते हैं मेडिकल। और गणित वाले आप टेक्निक जो आईटी वाले रूट पकड़ सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, ये सारी रास्ते इनके लिए होते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। इनको हम नॉन मेडिकल बोलते हैं, ये नॉन मेडिकल वाले होते हैं, ये मेडिकल वाले होते हैं, ठीक है, तो आपको समझ गए, मतलब सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना उसी तरीके से है, कोई इसमें वो नहीं है कि अलग तरीके से कोई चीज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये चीजें तो आप समझ लिए इन दोनों। लेकिन इनमें से जो जैसे आर्ट वाले जो होते हैं, कि आर्ट वाले अगर मान लीजिए कर लिए तो इसके क्या फायदे होंगे, इसके जो फायदे होने वाले, जैसे आर्ट वाले जो छात्र होते हैं, इनके बाद आपको जैसे इन सारे सब्जेक्ट के जो होते हैं, ये वाले सब्जेक्ट कभी भी मतलब कोई जरूरत नहीं है कि वो कोई कोचिंग करे, कोई मतलब कोचिंग या कोई भी प्रकार का उनका ज्यादा खर्च नहीं आता। इनमें क्या होता है, कठिनाई मतलब कठिन सब्जेक्ट होते हैं तो थोड़ा इसमें कोचिंग की जरूरत पड़ जाएगी आपको, तो इसमें आपको कोचिंग की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन बट ये आपको नहीं मैटर करता कि कोचिंग जरूरत पड़े, पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो वो उसमें जाना है, इसमें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम चल जाएगा, खुद भी पढ़ के आप कर सकते हैं, अगर आप बहुत कम बजट है, आपके पास पैसे कम है, तो इस सब सब्जेक्ट को आप पढ़ करके आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। और ई वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ये आराम से अच्छी तरीके से इनकी तैयारी कर लें, सोशल साइंस वाले जितनी भी सब्जेक्ट हैं इन सबकी, तो वो क्या होता है, वो आईएएस वाले जो सिविल सर्विस, जो आपकी सिविल सर्विसेज जो आपके रिक्वायरमेंट आते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जितनी भी, सॉरी, तो ये हमारा एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी जब मैंने इसको समझाया, पूरा वीडियो बना डाया, पूरा वीडियो बनाने के बाद मुझे पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, तो मुझे जस्ट फिर से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, और मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया था, पर अब शॉर्ट वीडियो हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं समझा रहा था कि इनसे, इनमें तो हमने सारे सब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया था, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट करना पड़े, किसमें कितना खर्च आ सकता है, किसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, किसमें आपको जॉब के, सारी सारी चीजें बता देते हैं,
देखिए जो 11th में चाहेंगे तो आपको 5 सब्जेक्ट लेना है, अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो आपको हिंदी अंग्रेजी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान तो पक्का ही है, आप जीव विज्ञान लेंगे तो मेडिकल लाइन में जाएंगे, आप गणित लेंगे तो नॉन मेडिकल में जाएंगे नहीं टेक्निकल में जाएंगे, और टेक्निकल में जाएंगे तो आप इंजीनियर बन सकते हैं ठीक है, मास्टर सभी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं नहीं मेडिकल लाइन में जाते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं और मास्टर भी बन सकते हैं जो भी चाहे, और अगर ये सब ना बने तो आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, जो आपकी सिविल सर्विसेज होती हैं तो सिविल सर्विसेज में आपको आराम से जा सकते हैं, चाहे जो भी करें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात है यहाँ बताते हैं, आपका बजट जो होगा खर्च इसमें ज्यादा लगेगा, कारण देखिए खर्च इसलिए लगता है क्योंकि साइंस साइड के जो हमारे जो स्कूल्स होते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजें होती हैं, तो यहाँ पर आपका खर्च अधिक से अधिक, अगर आपको इन सब्जेक्ट में आपको 3,000 लग रहा है तो इसमें आपका 8-10 हजार लग जाएगा, इसलिए खर्च को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फीस भी ज्यादा रहेगी, फीस भी लगेगी और ओवरऑल खर्च भी ज्यादा आपका आएगा प्रैक्टिकल वगैरह जोड़ करके, साथ ही साथ इसमें आपको कठिन सब्जेक्ट पड़ेगा तो कोचिंग भी करना पड़ सकता है, मटेरियल आपको जुटाना पड़ सकता है, कोचिंग करना पड़ सकता है, इन सब के लिए आपका जो है आपका पैसा अधिक लग सकता है, तो पैसा इसमें लग जाएगा। पर ये क्या है, इसको करने के बाद आपके रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, आपके जो रिक्रूटमेंट आती है जो भर्तियां आती हैं उसमें अधिक से अधिक आपको साइंस साइड वाले सब्जेक्ट को पूछा जाता है, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा कंपटीशन है कि आप बायोलॉजी और मैथ्स में किसको करें जिसमें ज्यादा कंपटीशन, मतलब जिसमें ज्यादा भर्तियां आती है, तो मैं बोलूंगा मैथ्स से अगर आप करेंगे तो आपको भर्तियां अधिक से अधिक मिलेंगी, जैसे कि आपका कोई टेक्निक वाली चीजें होती है, जैसे आप रेल विभाग में देखेंगे या आप कोई अदर विभाग में भी देखेंगे, चाहे आप फोर्स बल में भी देखेंगे तब भी आपको मैथ्स अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप जो बायोलॉजी करेगा वो नहीं कुछ पाएगा, वो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, दोनों ओवरऑल ठीक है, दोनों बराबर है, लेकिन अधिक से अधिक भर्तियां जो हैं इसमें आती हैं, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, अब हिसाब लगाइए, अब ये नहीं एक आप पहले मैं बोल रहा हूँ तो आप टूट पड़िए उसी में टूटना है, आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, इंटरेस्ट के अनुसार ही आप सब्जेक्ट लेना है, कोई दबाव में आके मत दीजिएगा। तो ये हो गए आपके रास्ते, हम चलते हैं आर्ट की तरफ से, आर्ट में आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो आपको रास्ता क्या है, इसमें से मास्टर बन सकते हैं और जो भर्तियां होंगी तो जैसे इसमें भर्ती देख रहे हैं इसमें भी भर्ती देखने के लिए रहेंगे, भर्ती आप भर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में जो होते हैं आपकी जो सिविल सर्विस की होती है तो उस सिविल सर्विस में आपको आराम से इसमें नौकरी करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है, कारण ये होता है ये वाले कभी इतिहास भूगोल इन सबके पल्ले नहीं पड़े रहते हैं, परंतु ये वाले पड़े रहते हैं इसलिए इनके लिए जी रहता है और अच्छी तरीके से करते हैं और इनका माहौल भी वैसा रहता है। तो यहाँ पर वाले सब्जेक्ट कौन सा लेंगे इनको मैं बताता हूँ, आप हिंदी अगर लेते हैं तो आप संस्कृत ले लीजिए, कारण ये है कि आपका कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा आगे चल के और आपको अच्छी तरीके से नॉलेज भी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर अभी क्या कॉम्बिनेशन बना रहे, क्या जरूरत है, लेकिन अभी के लिए नहीं बता रहे, आगे के लिए बता रहा हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन नहीं आपको नॉलेज दोनों, क्योंकि हिंदी में भी आपका संस्कृत कहाँ सा आता है, तो हिंदी संस्कृत एक दूसरे जुड़े रहेंगे तो कर सकते हैं, ये तो आप अंग्रेजी से कर लीजिएगा, अगर आप अंग्रेजी करते हैं तो अंग्रेजी अपने आप में अलग एक सब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पर तीनों हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी तीनों ये लैंग्वेज है, क्या है ये आपकी लैंग्वेज है, अगर आपकी लैंग्वेज है तो आप समझ सकते हैं कि तीनों भाषाएं हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से नजर से देखा जा सकता है, तीनों को अलग भी पढ़ा जा सकता है, संस्कृत से आप अकेले कर सकते हैं और इंग्लिश से भी अकेले कर सकते हैं हिंदी से, लेकिन हिंदी के साथ संस्कृत होना अनिवार्य है आपकी भर्तियों के लिए अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसलिए हिंदी संस्कृत कर लीजिए, कोई अदर एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे अंग्रेजी ले लीजिए, तीनों सब्जेक्ट लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आता है इसमें से आप भूगोल इतिहास आप कर लीजिए, उसके बाद नागरिक शास्त्र, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र कर लीजिएगा, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र से आप कर लीजिए, इनमें क्या है कॉम्बिनेशन भी आपका रहेगा और नॉलेजमेंट भी अच्छी रहेगी, आगे चल के आप किसी मास्टर की किसी तैयारी करेंगे, मास्टर बनेंगे या सिविल सर्विस में जाएंगे तब भी आपको अच्छी तरीके से मैटर तैयार रहेगा, और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उतना डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा बस, और बाकी आप पहले से ही पढ़े रहेंगे, और जब आप बीए करने लगेंगे तब भी आप इन सब्जेक्ट से लेंगे तो कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा, जिससे आपको टीजीटी पीजीटी जो आपके एग्जाम्स होंगे आपके हाई स्कूल लेवल या 12th लेवल के जो मास्टर के एग्जाम होते हैं उनमें भी कॉम्बिनेशन बना रहेगा और याद भी रहेगा, अच्छे मार्क भी कर पाएंगे, परीक्षा निकाल लेंगे, इसलिए आप इतिहास भूगोल और नागरिक शास्त्र में से सब्जेक्ट ले लीजिएगा, बाकी अगर आपको पढ़ता है तो अर्थशास्त्र ले लीजिए, उसके बाद समाज शास्त्र ले लीजिए, इन सब्जेक्ट को ले सकते हैं, अकेले में अगर अलग से पर्सनल इसी के मास्टर बनना चाहते हैं तो आप कला से कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं इनको आप कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए इतिहास भूगोल और नागरिक शास्त्र के कॉम्बिनेशन में आगे चल के जरूरी होता है, और हिंदी और संस्कृत का भी कॉम्बिनेशन होता है, बट आगे और किसी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, याद रखना।
मैं कॉम्बिनेशन इसलिए ये जरूरी होता है, अगर आपने हिंदी ले लिया संस्कृत नहीं पढ़ा आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, तो बाद में फंस जाओगे, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। और अगर आप इतिहास ले लिया और सब दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लिया, कभी इनमें से भूगोल और नगर सब नहीं लिए, तो आगे चल के फंसी जाओगे, कोई फोकट का काम करेंगे, इसलिए पहले से ही सोच लीजिएगा। अब हम चलते हैं कॉमर्स वाले सब्जेक्ट बच्चों के लिए। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, और इनको करने के बाद वो सीए बन सकता है, सीएस बन सकता है, एमबीए कर सकता है, एचआर बन सकता है, या अदर आपका लेखा जोखा वाला काम कर सकता है, टैली, ईआरपी 9 या तमाम चीजें करके वो एक छोटा सा अपना बैंक में बैंक मैनेजर या बैंक वाले पोस्ट पर वो भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपको हमने डिटेल बता दिया। इसके बाद अगर हम चलते हैं कुछ, अगर ये तो कोर्सेज, ये बात हो गई कोर्सेज की, और रही बात पैसे की, तो इनमें पैसे थोड़े से आपके कम लगे हैं, परंतु इसमें भी आपके पैसे लगते हैं, इनमें भी पैसे आपके लगते हैं। एक विभाग और हमने छोड़ा है, उस विभाग को क्या कहते हैं, अगर आपको देखा जाए तो ये होता है आपका क्या, कृषि विज्ञान। क्या होता है? कृषि विज्ञान, ठीक है। हमने इसको अलग कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी भी होता है, इसलिए एग्रीकल्चर वालों के लिए सब्जेक्ट अलग सा होता है। वो अब एग्रीकल्चर का रूट जो होता है अधिक नहीं होता है, उन्हीं के कैटेगरी में वो होता है। इसके लिए अलग पर्सनल एक एग्रीकल्चर की वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इन चार रूट में आप पकड़ सकते हैं। अगर आप 11th में जा रहे हैं तो ये पकड़िए, ये पकड़िए, ये, ठीक है। तो बाकी आपको बात को समझ गए ना कि हाँ किसमें अधिकतर बच्चे कौन सा कर रहे हैं आज के जमाने में, तो साइंस कर रहे हैं, और साइंस में कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है आप मैथ्स से करें, आप बायोलॉजी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामेडिकल कोर्स कर लीजिए, कोई आराम से जॉब पा जाए। ये पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, अभी 10 के बाद पॉलिटेक्निक करिए, पॉलिटेक्निक पढ़ाई पढ़िए, प्राइवेट सरकारी या कोई भी आप जॉब आराम से पा जाएंगे। आईटीआई करिए, सरकारी प्राइवेट जॉब के लिए रास्ते खुल जाएंगे। पैरामेडिकल करिए, सरकारी प्राइवेट के लिए जॉब के लिए रास्ते खुल जाएंगे। इसी तरीके कोई अदर शॉर्ट टर्म आप डिप्लोमा कर लेंगे, हो जाएगा काम। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको थोड़ा सा नौकरी मिल जाएगी, छोटा प्रोग्राम पा जाएंगे आप। लेकिन ये क्या है, ये बड़ी डिग्रियां हो बढ़ती हुई जाएंगी। अगर आप ये कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो बड़े होते जाएंगे आप, 13वीं 14वीं करिएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो बड़े बड़े कोर्सेज करेंगे। तो ये एक आपका मॉड्यूल हमने दिखा दिया, ठीक है। पूरा मॉड्यूल हमने इसलिए दिखाया कि जो बच्चे दिक्कत हो जाती है। अब एक बात रही बात, इसमें फायदे क्या है, इसमें भी रही बात, सब्जेक्ट कौन कौन सा ले, साइंस। आप बोलेंगे कुछ बच्चे होते हैं, सर हम साइंस ले सकते हैं क्या? अगर आप हाई स्कूल में 8 साइड लिए हैं तो आप साइंस साइड में भी जा सकते हो, आप साइंस साइड में भी अभी जा सकते हो। कारण कि आपने 10वीं में आपने प्रारंभिक गणित लिया होगा, तो प्रारंभिक गणित लिए हैं तो आप गणित नहीं ले सकते हैं, प्रारंभिक गणित ही ले सकते हैं, इसलिए आप बायोलॉजी तो ले सकते हैं, तो आप गणित नहीं पाएंगे। अगर आप प्रारंभिक गणित की आर साइड से हैं तो आप अभी लिए चांस खुला है, आप साइंस में पलट सकते हैं, जीव विज्ञान लेकर के आप साइंस में ही जाइए। अगर साइंस में आप मिल गए तो समझ लीजिए साइंस साइड के स्टूडेंट हो गए, बाकी आप समझ सकते हैं फिर बीएससी करिए, एमएससी करिए, आप कुछ भी एमबीबीएस का कोर्स करिए, नीट की तैयारी करिए, कुछ भी करिए, ये हो जाता है। लेकिन जो आपका प्रारंभिक गणित लिए वो गणित नहीं ले सकता है, याद रखना बात, बाकी और सारे सब्जेक्ट वही होंगे। अब इनमें से जो आपका 8 साइड है तो 8 साइड वाला सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है, मैंने बोला कि उनके लिए रास्ता खुला है, इनमें से भी कोई ले सकता है, इनमें से भी कोई ले सकता है, इसमें से केवल गणित नहीं ले सकता, ये ध्यान देने की बात है। तो क्लास 10th में जो भी किए हैं बच्चे, अब समझ लीजिएगा आप क्या क्या छोटा टाइम का, बाकी हम अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें बताएंगे कौन सा आपको डिप्लोमा हाई स्कूल के बाद मिलेगा, जिससे कि आपको करियर किससे बनेगा। उसके बाद हम 1-10 वालों के लिए एक वीडियो और लेकर आएंगे, जिसमें हम केवल बताएंगे कि उस डायरेक्ट उसके बाद करियर उनके लिए कौन कौन सा हो सकता है, वो वीडियो लेकर आएंगे। वो वीडियो पर्सनल इसी में पढ़ती जाएगी। इसके बाद 12th वालों के लिए भी हम 3 वीडियो कम से कम लेकर के आएंगे अलग से। तो ये सारी वीडियो जो आपको हमारे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 10th एंड 12th आफ्टर 10th एंड 12th गाइडलाइंस, और इसे प्लेलिस्ट है बनी हुई है, उसमें देखेंगे तो पुरानी वीडियो मिल जाएगी और सारी चीजें वहां से भी समझ सकते हैं। बट आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो सर्च करिए तुरंत ही, उसमें मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो डालते हैं। साथ साथ आपको यूट्यूबर बनाने का भी एक रास्ता हम दिखाएंगे, कैसे कैसे यूट्यूब पर आपको काम करना है। वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल नाम है, स्क्रीन पर हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मिलेगी। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 11th में अच्छे सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। 11th 12th आप हमारे ही ऊपर छोड़ दीजिए, आगे काम आपका हो जाएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इसको समझते रहिए, बस जस्ट ही पड़ेगी अगली वीडियो किसकी, समझ रहे ना, डिप्लोमा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।